बड़नगर तहसील के ग्राम चिकली में बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। इस दौरान सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे दो लोग भी चपेट में आ गए, जिससे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल चालक सहित बस में सवार 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़नगर तहसील के ग्राम चिकली के अंधे मोड़ पर सोमवार सुबह उज्जैन के बड़नगर जा रही बीके यादव ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सड़क पर मोटरसाइकिल से जा रहे एक महिला और पुरुष को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे मोटरसाइकिल सवार महिला 60 वर्षीय मधुलता निवासी उज्जैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक घायल हुआ है। इसके अलावा बस में सवार 3 अन्य व्यक्ति भी बस पलटने से घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने पर बड़नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल उज्जैन पहुंचाया। वहीं हादसे में मृतक महिला की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाई है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला मधुलता उज्जैन निवासी है, वह बड़नगर निवासी। ससुर के निधन होने से बड़नगर निवास पर बैठने अपने देवर के साथ आ रही थी। दुर्घटना में प्रारंभिक कारण तो ड्राइवर की गलती होना सामने आ रहा है। बता दें कि ग्राम चिकली के अंधे मोड़ पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मोड़ होने से आने जाने वाले वाहन असंतुलित होते हैं और दुर्घटना हो जाती है। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है। और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी, पत्नी किशन द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद, खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव बाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेश वासियों को
अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त नागपंचमी रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।